रोहतक शहर के महिला थाने में एक महिला द्वारा सूबे के पूर्व सीएम एवं प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीएसओ के खिलाफ रेप की शिकायत देने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि हुड्डा के निजी सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र ने बहला फुसला कर उसके साथ गलत काम किया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने धारा 376 के तहत पीएसओ जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने रेप की शिकायत मिलने के बाद गहनता से पूरे मामले की जांच करने की बात कही है और पीड़ित महिला के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा आगामी कार्रवाई की जा रही है। अपना इसमें महिला थाने में कंप्लेंट आई थी कि अपने जितेंद्र एक पीएसओ हैं, तो उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है कल रेप से संबंधित, और तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में जैसे आगे निचोड़ निकलेगा आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तो स्टार्ट ही किया जी, देखो उसका मेडिकल वगैरह कराएंगे उस लेडीज़ का, सारा मेडिकल के बाद जो उसकी पुष्टि होगी और जहाँ जहाँ उसने बताया भाई इसने जो गलत काम किया उसको चेक करेंगे, उसके जो उसके बाद तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की। बता दें कि पीएसओ जितेंद्र हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने थे तब से अब तक पीएसओ तैनात है। डीएसपी गोरखपाल राणा की माने तो बीते दिन रोहतक महिला थाने में एक महिला ने पीएसओ जितेंद्र के द्वारा रेप करने की शिकायत दी है। इसी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। पीड़ित महिला के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर बयान दर्ज करवा दिए हैं और महिला का मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी कि कहां और कब उसके साथ रेप हुआ। इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बता दें कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म, लूट, हत्या जैसी वारदातें आए दिन सामने आती रहती हैं और आरोपी अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। मगर यहां पूर्व मुख्यमंत्री की पीएसओ पर गंभीर आरोप लगना कहीं न कहीं राजनेताओं की छवि पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे मामले में चाहे कोई भी दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए, तभी बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कुछ अंकुश लग सकता है। बहरहाल रोहतक मामले में पुलिस गहनता से पूरे केस की जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।